तो क्या राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना गलत है? राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? क्या राहुल गांधी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनना लिखा ही नहीं है? अगर देश की जनता राहुल को आगामी समय का प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहती है तो भाजपा नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और रविशंकर प्रसाद ने आखिरकार ये क्यों कहा कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते और ये मुंगेरी लाल के सपने हैं? लंबे समय से गांधी परिवार के सलाहकार रहे सैम पित्रोदा ने हाल ही में राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी की तुलना में अधिक बुद्धिजीवी और रणनीतिकार हैं। उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि उनमें प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के उन बयानों पर भी पलटवार किया जिसमें आरोप लगाए गए थे कि राहुल गांधी विदेश यात्राओं में भारत का नाम खराब करते हैं। उनके इस बयान पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने निशाना भी साधा। सैम पित्रोदा के राहुल गांधी पर दिए बयान पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, अगर वो राहुल गांधी को पीएम बनाने का ख्वाब देख रहे हैं तो उनको राहुल गांधी को कैसे बोलना है उसके बारे में भी बताना चाहिए और उनको यह बात भी बतानी चाहिए कि विदेश में देश के बारे में क्या बात करनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो देश की बदनामी कराते हैं। सैम पित्रोदा ने कहा, सरकार की आलोचना देश की आलोचना करना नहीं, विपक्ष का काम ही है सरकार की आलोचना करना। बीजेपी ये आरोप लगाती रहती है कि राहुल गांधी विदेशों में देश का नाम खराब करते हैं, ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है। इससे पहले राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर सैम पित्रोदा ने कहा, वो व्यक्तिगत स्तर पर कैपिटल हिल में लोगों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो प्रेस क्लब में मीडिया कर्मियों से मिलेंगे, वो थिंक टैंक लोगों से बातचीत करेंगे। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे। बता दें, राहुल गांधी 8 से 10 सितंबर को अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। दरअसल राहुल गांधी का वर्चस्व जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है और जनता का पूरा समर्थन अगर कहें तो राहुल गांधी के प्रति दिखाई दे रहा है, उसको देखकर बीजेपी के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वाकई राहुल गांधी की लोकप्रियता मोदी जी की लोकप्रियता से आगे निकल गई है।